एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा आपको टैली प्राइम कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें मैं कई सारी वीडियोज आपको दे चुका हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो मास्टर ऑफ ग्रुप पर था, मीन्स टैली में जो मास्टर ग्रुप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्राइमरी होते हैं, कितने सब ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया और उसको डीपली आपको समझाया। तो आज हम देखते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बिकॉज आज हम आपको बताएंगे कि ग्रुप ऑफ कंपनी क्या होती है, ग्रुप ऑफ कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं टैली में, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, उसको हम कम्प्लीटली समझेंगे। तो वीडियो में स्टार्ट करें उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे उन्हें भी ये नॉलेजेबल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं टैली के पर। हम आ चुके हैं टैली प्राइम के मेन विंडो पर। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आज हम ग्रुप ऑफ कंपनीज कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताएंगे हम आप लोगों को। ग्रुप ऑफ कंपनी होता क्या है? ग्रुप ऑफ कंपनी का मतलब है जैसे कोई कंपनी है उसके अंतर्गत और उसकी कई सारी विंग्स हों, कई सारी शाखाएं हों, कई सारे ब्रांचेस हों कंपनी के, उसको हम कैसे मॉनिटर करेंगे, उसको एक ग्रुप में हम कैसे करके देख सकते हैं, उसके रिपोर्ट्स को कैसे चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट जैसे ट्रायल बैलेंस हो, बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, इन सब टाइप की रिपोर्ट्स को हम एक ही कंपनी से सबको मॉनिटर कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द कॉलेज ऑफ आईटी, जिसकी कई सारी विंग हैं, कई सारी शाखाएं हैं, उन सभी शाखाओं की हमें मॉनिटरिंग करनी है या उसमें से कुछ को हमें देखना है, उसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे? उसके लिए हमें एक ग्रुप ऑफ कंपनी क्रिएट करना होगा, जिसमें हम उसके मेंबर्स को ऐड करेंगे, कंपनी मेंबर्स को, और उन मेंबर्स को जिनको हम ग्रुप ऑफ कंपनी में ऐड करेंगे उनके रिपोर्ट्स को हम यहाँ से डायरेक्टली चेक करते हैं। तो बिना देरी के हम चलते हैं कंपनी क्रिएशन पर, मीन्स ग्रुप ऑफ कंपनी क्रिएशन करना है हमें। तो कंपनी क्रिएशन के लिए हम चले जाएंगे डायरेक्टली कंपनी मेनू पर और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। आप इधर बटन बार पर देखेंगे, इसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस आर। ग्रुप कंपनी के लिए आप यहां पर अल्ट प्लस आर प्रेस करते हैं तो ग्रुप ऑफ कंपनी आपके सामने ओपन होकर के आ जाती है कुछ इस तरीके से। यहां से हम एक कंपनी, ग्रुप कंपनी के अंतर्गत जितने भी मेंबर्स कंपनियां हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं यहां पर अपनी संस्था को ही लेकर के केसीआई ग्रुप ऑफ कंपनी हम बनाते हैं। KCI ग्रुप ऑफ कंपनी नाम दिया है मैंने इसके। आप देखेंगे यहाँ मैं एड्रेस डाल देता हूँ, इस तरह से हम एड्रेस मेंशन करते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर हम स्टेट का चुनाव करेंगे, जो कि आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं पूरी कंपनी हम कैसे बनाते हैं। मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे टैली प्राइम की प्लेलिस्ट पर जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ हम पिन कोड डाल देते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप कंप्लीट कॉन्टेक्ट मेंशन कर सकते हैं, यहां पर आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, यदि अवेलेबल है फैक्स नंबर तो आप डाल देंगे, नहीं तो उसको इग्नोर कर जाएंगे। यहां आप डाल देंगे मेल आईडी, इस तरह से आप ईमेल मेंशन कर देंगे और यहां पर आप अपनी कंपनी की वेबसाइट प्रोवाइड कर देंगे। एंटर करते हुए नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है मेंबर्स कंपनीज। मेंबर्स कंपनीज में हम कंपनी मेंबर को चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट कंपनी पर चले जाएंगे और यहाँ से एंटर करते हुए हम सेलेक्ट कंपनी ले आएंगे और जिन मेंबर्स को हम ऐड करना चाहते हैं उसे हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने KCI अयोध्या HO अपने हेड ऑफिस को हमने ऐड कर लिया यहाँ पर। नेक्स्ट हम फिर से सेलेक्शन पर जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने सेलेक्ट कंपनी की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से जा करके हम अपने दूसरी ब्रांच को या दूसरे मेंबर को ऐड करते हैं जो हमारे विंग्स हैं कंपनी के। यहाँ से सेलेक्ट कंपनी पे पुनः हम जाएंगे। इस तरह से आप जितने भी कंपनीज को, अपने कंपनीज की ब्रांचेस को हम ऐड करना चाहते हैं जो एक रिलेट करती हुई कंपनियाँ हैं, जैसे कंपनी से जुड़ी हुई उसकी ग्रुप कंपनीज हैं जो उस ग्रुप के अंतर्गत आती हैं, उनको आप यहाँ से ऐड करते चले जाएंगे। तो आप कुछ इस तरह से हम ऐड कर लेंगे और हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और आप जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करके सेव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं KCI ग्रुप ऑफ कंपनी के अंतर्गत कितनी सी सब कंपनीज या ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंट हैं। हमें किसी का भी रिपोर्ट जानना होता है तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसको मॉनिटर कर सकते हैं। हम चले जाते हैं गो टू पर क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे जैसे हमें बैलेंस शीट जानना है
और किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट हमें चेक करना है, जैसे हमें KCIHO का, तो हम यहाँ अल्टर कॉलम पर चले जाएंगे या अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें KCI अयोध्या का जानना है और यहाँ एंटर करते हुए हम नीचे आ जाएंगे, एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट ओपन होकर के आ गई है KCI अयोध्या HO का। आप यहां से रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमें ट्रायल बैलेंस वगैरह भी चेक करना है या प्रॉफिट एंड लॉस या एनी रिपोर्ट्स, अगर हमें कोई भी रिपोर्ट चेक करनी है तो यहां पर हम एंटर करते हैं और यहां से हम उस रिपोर्ट को चेक कर पाते हैं, अल्टर करेंगे और टोटल कंपनी की रिपोर्ट हम यहां से प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से हम जाएंगे और अल्टर करके ट्रायल बैलेंस हम पता कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करते ही ट्रायल बैलेंस आपके सामने, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। आप देख रहे हैं KCI अध्याचो का ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। तो ग्रुप ऑफ कंपनी बनाने से बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत खासा मदद मिल जाती है हमें मॉनिटर करने के लिए, रिपोर्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं एक जगह पर बैठ करके, हम हर कंपनी के डेटा को, डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर उस व्यक्ति के लिए जो टैली के अंतर्गत वर्क कर रहा है और जिन कंपनियों की कई सारी शाखाएँ हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे उस कंप्लीट जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।